पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देशानुसार जनपद में ऑपरेशन पाताल एवं शिकंजा के अंतर्गत थाना एलाऊ पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम अघार के अवधेश पुत्र कन्हैयालाल अपने घर में अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चलाकर अवैध तमंचों का निर्माण हो रहा है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार भारद्वाज थाना एलाऊ के नेतृत्व में थाना एलाऊ पुलिस टीम द्वारा समय करीब 10 बजे रात्रि में अवधेश के घर को घेर कर कार्यवाही की गयी, जिसमें अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का संचालन तमंचों का विनिर्माण करते हुए 3 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 12 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व 3 अदद अर्धनिर्मित तमंचा नाजायज 315 बोर, मय घोका कारतूस 315 बोर व 3 मेस कारतूस 315 बोर एवं तमंचा बनाने के अवैध शस्त्र बनाने के समस्त उपकरण बरामद हुए। अभियुक्त गढ़ लंबे समय से अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का संचालन करते आ रहे हैं। भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित किए गए शस्त्रों को गैर जनपदों में बेचने हेतु भेजा जाता था। पूछताछ के आधार पर अवैध रूप से निर्मित शस्त्र तमंचों को जनपद मैनपुरी द्वारा अन्य जनपदों में विक्रय करने वाले अभियुक्त गढ़ों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मैनपुरी जनपद अंतर्गत एलाऊ थाना में आज एक शस्त्र फैक्ट्री में पकड़ी गई है। ये आघार के अवधेश के बारे में जानकारी मिल रही थी कि बहुत दिनों से इनके द्वारा ये अवैध शस्त्र बनाया जा रहा है और इसके आसपास के जनपदों में सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर एसओ एलाऊ द्वारा अपनी टीम के साथ दबिश दी गई तो वहाँ पर भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के सामान और 15 बने और अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए। वहां से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, रवि, अवधेश और दीपक को, और इस काम में जो 3 और सहयोगी हैं जो दूसरे जनपदों में भी ले जाकर के इसको बेचते हैं, जगजीवन राम, राजेश शर्मा और छोटू, इनकी तलाश की जा रही है। इसमें इनका एक बहुत बड़ा ये नेक्सस है जो न सिर्फ इस जनपद में बल्कि अगल बगल के जनपदों में भी सप्लाई करते हैं। इसमें अभी विवेचना के दौरान जो भी अन्य तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अन्य साथियों की तलाश की जा रही है और जहां जहां इनके द्वारा सप्लाई किया गया है उसके बारे में भी जानकारी करके और शीघ्र ही और भी बरामदगी की कोशिश की जाएगी। हिस्ट्री की बात करें तो इनके क्या आपराधिक इतिहास है, कितने दिन से थाना एलाऊ में इस तरीके से गतिविधियां कर रहे हैं? इसके बारे में इनके जो आपराधिक इतिहास तो पूर्व में है, लेकिन ये बार बार ये सूचना मिल रही थी कि वहाँ से अवैध शस्त्र बेचा जा रहा है। बहुत दिनों से इसके पीछे कार्य किया जा रहा था और अभी सूचना संकलित करके और तब ये वहाँ पे दबिश दी गई और मौके से ये सारे सामान बरामद हुए। सर, टीम को कोई